और अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरा काबा जो है हुदल्लिल आलमीन, ये आलमीन को हिदायत करता है। किस लिए? फी है आयातुम बय्यनात, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह की निशानियां हैं। आयत मैंने कुरान से कि फी है, इसके अंदर है, बाहर नहीं। काबे के अंदर अल्लाह की निशानी है, हजरे अस्वद अंदर नहीं बाहर है, मकाम इब्राहिम अंदर नहीं बाहर है, वो आबे जमसम वाला चश्मा वो बाहर, ये सारी चीजें बाहर है और तू कह रहा है कि अंदर निशानी है। अंदर क्या है? खुदा ने कहा कि फी है आयातुम बय्यनात, इस काबे के अंदर एक निशानी है जो तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगी, अंदर से मिलेगी। और फिर खुदा ने कहा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जो अपने अब्द को लेके गया था मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक। मेराज शुरू हुई थी मस्जिदुल हराम से, यानी कि बैतुल्ला से, गई थी मस्जिद अक्सा तक, शुरू हुई बैतुल्ला से, अल्लाह के घर से। मैंने ठीक 9:30 बजे मिंबर लिया। अगर कोई कल को बंदा ये कहे कि 9:30 बजे मैं और आसिफ अलवी एक जगह पे बैठ के खाना खा रहे थे, ये सारा मजमा झुटला देगा कि 9:30 बजे तो हमने सुना है। अब खुदा ने कुरान में इश्तिहार निकाला, खुदा ने कभी भी जगह नहीं बताई, लेकिन खुदा ने इस आयत में जगह बताई। खुदा ने कहा मैं लेके गया हूँ अपने नबी को और मस्जिदुल हराम से लेके गया हूँ। अब मजमा चुप होगा, बाबा जी मुझे दुख होगा। खुदा ने कहा मैंने अपने नबी को मस्जिदुल हराम से लिया है। अब अगर कल कोई औरत कहे ना कि मैंने उस रात हुजरे में नहीं देखा, मैंने तो बुलवाया ही मस्जिदुल हराम से था, मैं तो लेके ही मस्जिदुल हराम से गया, यहां से लेके गया वहां तक, जहां से लेके गया वहां भी निशानी आयातु बय्यनात, और जहां लेके गया आयत कुरान में ना हो मैं अपनी गर्दन का लहू दूं। खुदा का लक्कत नौजलतुल उखरा, मेरा हबीब उस रात हम तुम्हें 2 दफा निशानी दिखाएंगे। एक बार तू फर्श पे देख के आएगा, एक बार तू अर्श पे आके देखेगा, लेकिन जो तू अर्श पे देखेगा ना वो आयतुल कुबरा है, वो सबसे बड़ी निशानी है। इसका मतलब है कि मेराज की कहानी में 3 किरदार है, एक बुलाने वाला, एक जाने वाला, एक निशानी। निशानी अल्लाह भी नहीं क्योंकि उसने बुलाया है, निशानी मोहम्मद भी नहीं क्योंकि वो गया है। इसका मतलब निशानी कोई तीसरी चीज है, अल्लाह बुला रहा है, मोहम्मद जा रहा है, निशानी नजर आ रही है, एक दिखा रहा है, एक देख रहा है। अब शियों पे काफर होने का इल्जाम ना लगाना, मुझे नहीं पता पर्दे के पीछे क्या था। अगर हाथ आया था तो यदुल्ला होना चाहिए, अगर चेहरा आया था तो वजहुल्ला होना चाहिए। मुझे नहीं पता वो कौन था, जो भी था जो भी आया वो अल्लाह की निशानी है। कान खा गया मौलवी कह कह के, जाकिरों ने अली को अल्लाह कहना शुरू कर दिया, जाकिरों ने अली को अल्लाह कहना शुरू कर दिया। 4th दिन है मेरा मिंबर पे बावजूद मैं अलम के हाथ रखता हूँ, कुरान की कसमें दे रहा हूँ, हम अली को अल्लाह नहीं कहते, हम अली को अल्लाह नहीं कहते, हम अली को अल्लाह नहीं कहते। मैंने तो अपना अकीदा साबित कर दिया, अब आ मैं तेरे अकीदे की खैर तुझे बताऊ। तूने कहा था कि रसूल ने मेराज में और कुछ नहीं देखा, रसूल ने मेराज में अल्लाह देखा, खुदा का अल्लाह तो था ही नहीं, मैंने तो अपनी निशानी दिखाई है। अब तेरे अकीदे का पता चल गया, जिसे तू अल्लाह कहता है उसे हम अली कहते हैं। अली को अल्लाह नहीं कहते, तू अपने अल्लाह को। हैदरी हमने अली को अल्लाह नहीं कहा, तूने कहा है कि मेराज में अल्लाह था। हमें कहता है हमारा अकीदा तो ही ठीक नहीं है, अकीदा तो ही तो तेरा ठीक नहीं है। तूने सिलेबस की किताबें भर दी हैं, तूने स्याही के साथ वर्क काले कर दिए हैं, तूने बच्चों के कान
भर दिए हैं। मेराज पे भी अल्लाह था, क़यामत का दिन होगा, तख्त लगा होगा, तख्त पे कुर्सी होगी, कुर्सी पे अल्लाह बैठेगा, सामने नबी खड़े होंगे, उम्मतें खड़ी होगी, उम्मतें हिसाब देगी, अल्लाह हिसाब लेगा, अल्लाह हिसाब लेगा। आज चेहलम ने चार सफर को मेरा जुमला अपने सीने में तवीज बना के रख देना, और मैं क़यामत वाले दिन अली से सुभान उधार मांगूंगा, जैसे तूने मुझे दुनिया में अपने जिक्र के लिए दी थी, क़यामत के लिए एक लम्हे के लिए मुझे वही सुभान वापस कर, ताकि मैं मौलवी से पूछूं कि तूने दुनिया में कहा था कि तख्त पे अल्लाह होगा, अब जो इसमें तख्त पे बैठा है इसे अल्लाह कह।